आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर जिले गांधरबल में आज भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट मीर जेलानी की तरफ से पार्टी वर्कर्स के साथ खसूसी कन्वेंशन मीटिंग का एहतिमाम हुआ, जिसमें कुछ नौजवानों ने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइनिंग की। इस कॉन्वेंशन प्रोग्राम में मेहमानी खसूसी थे सीनियर लीडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन शाह, प्रभारी माइनॉरिटी मोर्चा और सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ डार, आबिद हुसैन वाइस प्रेसिडेंट, रुहिना शहजाद वाइस प्रेसिडेंट कंगर। सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन शाह ने अपनी पार्टी वर्कर्स को कुछ खसूसी हिदायत दिए और अपनी पार्टी वर्कर्स के कुछ मसलों को मौके पर ही हल किया। सहारा कश्मीर के लिए मोहम्मद रफी की एक खसूसी रिपोर्ट। मुनक़द हुई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्किंग कमेटी गांधरबल की मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने जो अभी तक जो हमने अचीव किया है उस पर हमने बात की है और जो इस वक्त करने जा रहे हैं उस पर भी बात हुई है और आगे जो हमारा जो ये है फ्यूचर प्लान्स जो हमारी हैं वो किस तरह से हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करेंगे, किस तरह से हम पोलिंग बूथ्स है उनको हम मजबूत करेंगे और जो है प्रेसिडेंट्स हैं उनको नए बनाने भी हैं और कुछ हमने बनाए भी हैं उस पर काम हो रहा है। और उसके बाद जो है शक्ति के अंदर और दूसरे जो इसमें लवाजमात है उन पर भी हमने बात की है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी टीम जो है पूरी टीम उन्होंने हिस्सा लिया है, काफ़ी अच्छी खुशगवार माहौल में ये मीटिंग मुनक़द हुई। उसके बाद जो है नई ज्वाइनिंग भी यहाँ हुई है, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। हमारा एक होनहार जो लड़का है LLB भी उसने किया है, उसने भी आज यहाँ ज्वाइन किया है। BJP का दामन जो है उसने थाम लिया है। हमने आज ही इसको मन की बात इंचार्ज कोऑर्डिनेटर बनाया है। कंगन से भी कुछ लोग आए हैं, उन्होंने भी आज ज्वाइन किया है इस पार्टी में। और कुल मिला के हम बात करते हैं कि गांधरबल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आज मीटिंग थी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कोशिश कर रहे हैं सब मिलके, और कंगन वालों ने भी मुझे यकीन दिलाया कि हम मदद करेंगे गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह हम मजबूत करेंगे, कंगन को किस तरह हम मजबूत करेंगे। इस तरह से आने वाले जो पंचायती इलेक्शन है इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे और जो आने वाले असेंबली जब बिगुल बजेगा असेंबली इलेक्शन का उसमें भी इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। और हम इसीलिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं इस बार जो पोलिंग बूथ्स के ऊपर हम किस तरह पोलिंग बूथ को कवर करेंगे, गेरअप करेंगे अपने लोगों को भी। वो मेहनत से काम करते हैं, जानफिशानी से काम करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ एज डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट। तो उन्होंने मुझे जो है विश्वास दिया है हम सिर्फ़ एक महीने के अंदर सब ये लवाजमात जो है हम पूरे पूरा करेंगे। और लोगों को मैं अपील करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो BJP को ज्वाइन करें, और BJP वाहिद पार्टी है जो रोज़गार के वसाइल भी पैदा करेंगे नौजवानों के लिए, और नौजवानों के लिए सनती यूनिट जो है वो भी गांधरबल में इंशाल्लाह वो कायम।